Dear student, today we have learned about some important heading, outsider liability, from pay to outsider. तो ये outsider कौन है, यानी कि third party. ये balance sheet के example को लेकर के हम और अच्छे से समझेंगे, जिसमें ये दिख रहा है creditors value, liability side, creditors value 30,000, Mrs. A loan ₹20,000. ये जो बैलेंस शीट है, ये थ्री पार्टनर्स हैं, ए बी सी. तो ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल. ए बी सी एज ए पार्टनर इन ए फर्म बैलेंस शीट, मिसेज ए एज ए आउटसाइडर थर्ड पार्टी. नाउ आउटसाइडर लाइबिलिटी एज ए क्रेडिटर्स एंड मिसेज ए लोन, बोथ आर आउटसाइडर लाइबिलिटीज. Outstanding सैलरी, ये भी क्या है आपके लिए, आउटसाइडर लाइबिलिटी है. Outstanding सैलरी यानी कि फर्म लाइबल है किसी आउटसाइडर को पे करने के लिए. नेक्स्ट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व, यानी कि ऐसा प्रॉफिट जो कि फर्म ने सेव करके रखा है, बचा के रखा है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है. तो लायबिलिटी साइड चेक करें तो इसमें दिख रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. तो कोई भी फंड रिजर्व या प्रोविज़न, इसका मतलब होता है प्रॉफिट का पार्ट सेव करके रखा है. फॉर एग्जांपल ये जो दिख रहा है एसेट साइड, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी एक तरह का प्रॉफिट का पार्ट सेव करके रखा गया है, जो भी लॉस होगा बैड डेट्स उसको कवर करने के लिए. तो एक इस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को अगर हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे, डाउटफुल डेट्स अमाउंट 4,000, तो भी बैलेंस शीट दोनों तरफ इक्वल होगा, तब ये अमाउंट कंसीडर होगा 40,000 आउटर कॉलम एंड टोटल अमाउंट 4,04,000 बैलेंस शीट पर. तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए या तो डेटर्स की वैल्यू में से माइनस करके आउटर कॉलम लिखें या लायबिलिटी साइड शो करें. क्यों? क्योंकि कोई भी रिजर्व फंड या प्रोविज़न का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट. और लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस. तो हम इसे लायबिलिटी साइड भी शो कर सकते हैं. तो हेडिंग है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व. तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस में एक दिख रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, रिजर्व यानी कि जो प्रॉफिट का पार्ट बचा के रखा गया है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व को अब दो हेडिंग और क्रिएट की गई उसी में, एक फ्री रिजर्व और एक स्पेसिफिक रिजर्व. फ्री रिजर्व क्या है, ये जो रिजर्व का पार्ट यानी कि कोई भी रिजर्व फंड या प्रोविजन की बात की गई, तो कोई भी रिजर्व फंड या प्रोविजन प्रॉफिट का पार्ट है, तो प्रॉफिट का पार्ट सेव करके रखे हैं. तो एक दिख रहा है ये रिजर्व, ये आपका आएगा फ्री रिजर्व में, और स्पेसिफिक रिजर्व किसी स्पेसिफिक हेड के लिए अगर प्रॉफिट का पार्ट सेव करके रखा है, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये स्पेसिफिक रिजर्व है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और एक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. तो प्रोविज़न, रिजर्व और फंड का मतलब हुआ प्रॉफिट का पार्ट बचा के रखा गया है. तो ये फंड प्रॉफिट का पार्ट सेव करके रखे हैं किस लिए, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होगी तो उस लॉस को कवर करने के लिए सेव करके रखा गया. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविज़न का मतलब हो गया प्रॉफिट का पार्ट सेव किया गया है किस लिए, डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, ऐसे डेटर्स जो डाउटफुल हैं पे करेंगे या नहीं करेंगे, तो इस सिचुएशन में लॉस को कवर करने के लिए. तो जो भी रिजर्व है इसको दो कैटेगरी में रखा गया, फ्री रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व.
फ्री रिजर्व वो रिजर्व है, प्रॉफिट का पार्ट तो सेव है लेकिन किस स्पेसिफिक हेड के लिए ये पहले से डिटरमाइन नहीं होता। लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व में जो भी प्रॉफिट का पार्ट सेव करके रखा गया है, किस पर्पस के लिए सेव करके रखे हैं, स्पेसिफिक हेड उसके साथ इंक्लूड होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। साथ में ही हम अब एसेट साइड को अगर एनालाइज करें तो बैंक है, बिल रिसेबल है, स्टॉक, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, टाइपराइटर, इन्वेस्टमेंट, एक क्या दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये एसेट साइड है तो इसको नॉमिनल अकाउंट से रिलेट किया गया। नॉमिनल अकाउंट रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड गेन एज ए क्रेडिट बैलेंस। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 10,000 है, ये क्या है, एक तरह का लॉस है। और ये लॉस वैल्यू जो है एसेट्स में लिखने पे इसको डिफाइन किया गया एज ए फिक्टिटियस एसेट्स। क्या डिफाइन किया गया, फिक्टिटियस एसेट्स, जिससे कुछ भी अमाउंट रियलाइज नहीं हो सकता। यानी कि एसेट्स का मतलब होता है जिसको आप सेल करके अमाउंट रियलाइज कर सकते हो, लेकिन ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, जिसको एसेट साइड में लिखा गया एज ए डेबिट बैलेंस होने की वजह से एसेट साइड में लिखा तो गया, लेकिन क्या इसको सेल करके अमाउंट रियलाइज कर सकते हैं, नहीं। तो इसको क्या नेम दिया गया, फिक्टिटियस एसेट्स। डियर स्टूडेंट, अब अकाउंटिंग प्रोसीड्योर यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो प्रिपेयर होगा इज ओपन फॉर डिस्पोजिंग ऑफ ऑल द एसेट्स एंड पेमेंट टू ऑल द लाइबिलिटीज। तो ये चीज़ क्लियर है कि जब भी रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करेंगे उसमें जो भी बिजनेस के ऑल एसेट्स है और ऑल लाइबिलिटीज़ है, इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसके लिए जो भी जनरल एंट्री पास होगी उसको हम किसके बिहाफ पे समझेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स शोड ऑलवेज डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज शोड क्रेडिट बैलेंस। तो दो बातें समझी गई एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफ़र करने के लिए। तो एसेट्स जो भी ट्रांसफ़र होगा उसके लिए हमें ध्यान रखना है, ओनली दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, दैट मीन्स कन्वर्टेड इनटू कैश। लाइबिलिटी की अगर बात की जाए तो सिर्फ वही लायबिलिटी जो कि थर्ड पार्टी पार्टीज यानी कि आउटसाइडर लायबिलिटी है, थर्ड पार्टी या आउटसाइडर लायबिलिटीज है, इसी को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए जो भी जनरल एंट्री पास होगी वो जनरल एंट्री पास करने के लिए अकाउंटिंग रूल अप्लीकेबल होगा। तो बैलेंस शीट का मतलब होता है बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स आप शो कर रहे हो, लाइक कैश और बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये जो भी एसेट्स है इनका सबका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो अभी कहा गया एसेट्स में ओनली दोज एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कैश। तो इसमें कैश और बैंक का जो बैलेंस है ये ऑलरेडी कैश में है तो इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अदरवाइज जो भी एसेट्स आपके सामने हैं जिसको हम सेल करके अमाउंट रियलाइज कर सकते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। लाइबिलिटी के लिए केवल आउटसाइडर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, जो कि हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि आउटसाइडर लाइबिलिटी क्या है। तो
तो थर्ड पार्टी जो लाइबिलिटी है, जो फर्म लाइबल है किसी आउटसाइडर को पे करने के लिए, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस ट्रांसफ़र एंट्री के लिए एसेट्स को अगर ट्रांसफ़र करना हो तो एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। जनरल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सेंड्री एसेट्स लाइक टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी एंड नेक्स्ट लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज ऑलवेज शोड अप क्रेडिट बैलेंस। नाउ ट्रांसफर एंट्री ऑल लाइबिलिटीज आर डेबिट। नाउ सेंड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट जब भी प्रिपेयर होगा इज ओपन फॉर डिस्पोजिंग ऑफ ऑल द एसेट्स एंड पेमेंट टू ऑल द क्रेडिटर्स। तो ये जो दो एंट्री पास की गई है वो सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की ट्रांसफ़र करने की एंट्री है, जो कि किस लिए? एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए। तो इससे पहले हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अकाउंट को ट्रांसफ़र किया है कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट में। इसका रीज़न ये है कि जो भी जब भी फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड विल बी क्लोज्ड। तो जो भी एसेट्स है और लाइबिलिटीज़ है ये बैलेंस शीट में उनका क्या होता है? बैलेंसिंग फिगर होता है। उस बैलेंसिंग फिगर को क्लोज कर दिया जाता है, यानी कि जो भी उनका अमाउंट है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, उनको क्लोज करने के लिए हमने क्या किया? एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है तो उसको क्रेडिट करके क्लोज किया गया। लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसे डेबिट करके क्लोज कर दिया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हम आते हैं अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स, ऑल द एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इन टू कैश। तो अब एसेट्स को सेल करके अमाउंट रियलाइज करेंगे। तो जब एसेट्स को सेल करके अमाउंट रियलाइज होगा तो एंट्री पास होगी डेबिट व्हाट इज कम इन कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कैश रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। क्लियर। जो भी लाइबिलिटीज़ है उस लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने के बाद अकाउंट लाइबिलिटीज़ का क्लोज हो चुका है। अब जो भी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट होगी उस पेमेंट के लिए एंट्री की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज गोज आउट बाय कैश या बैंक। कैश या बैंक पेड टू लाइबिलिटीज। तो रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे, ऑल एसेट्स और लाइबिलिटीज को फर्स्ट ट्रांसफर करने की एंट्री होगी। ऑल एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर करने के बाद जो भी एसेट्स से कैश रियलाइज होगा उसके लिए कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब भी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कैश पेड टू लाइबिलिटी। इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अब हमको ये भी फाइंड आउट करना होता है कि जो भी बिजनेस के एसेट्स हैं उनको सोल करके लाइबिलिटीज़ का पेमेंट तो किया गया, इसका रिजल्टिंग फिगर जो भी होगा एज ए प्रॉफिट और लॉस ऑन
रियलाइजेशन, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, उसे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जनरल एंट्री, इफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल इफ लॉस ऑन रियलाइजेशन। नाउ लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल रिड्यूस्ड बाय लॉस, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। डियर स्टूडेंट, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट दीपाली एंड राशि आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म ऑन 31 मार्च 2018। टू पार्टनर्स दीपाली राशि 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्म डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2018 एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। तो ये बैलेंस शीट दे रखा है, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। तो बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन में जो भी वैल्यू कंसीडर कर रही है, इसको रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, दीपाली टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एग्रीड वैल्यू। तो जब भी क्वेश्चन में ये पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, तो इसके लिए ये बात हम लोग समझ चुके हैं कि सबसे पहले क्या प्रिपेयर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें ऑल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र की जाएगी। तो ये जो फर्दर इन्फॉर्मेशन दिया है, इसको अभी कोई ज़रूरत नहीं है कंसीडर करने के लिए। जैसे डिसोल्यूशन की बात कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे, जिसके लिए जनरल एंट्री, ऑल एसेट्स शो डेबिट बैलेंस, एसेट्स ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ एसेट्स सो डेबिट बैलेंस, नाउ ट्रांसफर एंट्री, ऑल एसेट्स क्रेडिटेड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स फर्स्ट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू इन्वेस्टमेंट टू सेंड्री डेप्टर्स टू स्टॉक कैश ट्रांसफ़र, कैश एट बैंक है, इसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात क्लियर है कि रियलाइजेशन अकाउंट में ओनली दोज एसेट्स आर ट्रांसफ़र विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश। नाउ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू 16,000, इन्वेस्टमेंट 4,000, डेटर्स वैल्यू 2,000 एंड स्टॉक वैल्यू ₹3,000। टोटल वैल्यू 25,000। नेक्स्ट, आउटसाइडर लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन।
दीपाली एंड राजश्री कैपिटल बैलेंस, सैलरी क्रेडिटर्स दिस इज आउटसाइडर लाइबिलिटी, नाउ ट्रांसफर टू रियलाइजेशन क्रेडिटर्स शोड क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर एंट्री, नाउ क्रेडिटर्स डेबिट सैलरी क्रेडिटर्स डेबिट टू रियलाइजेशन अमाउंट 2000 एंड 2000, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी, हमने सबसे पहले यही इंडिकेट किया कि क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन में जैसे ही पता चला कि ये पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, तो हमें ये जो फर्दर इन्फॉर्मेशन दी है इससे इसको अभी कंसीडर नहीं कर रहे। सबसे पहले काम हमने क्या किया, ऑल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया। अब ट्रांसफ़र करने के बाद अब ये इन्फॉर्मेशन हम कंसीडर करेंगे जो कि कैश रिलाइज फ्रॉम एसेट्स एंड कैश पेड टू लाइबिलिटीज़ के लिए ये दे रखा है। नाउ प्रिपेयर वर्किंग नोट, वर्किंग नोट वन फॉर कैश रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स एंड वर्किंग नोट टू कैश पेड टू लाइबिलिटीज। दीपाली टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीड वैल्यू रुपीज 3800। तो ये इन्वेस्टमेंट कौन टेक ओवर कर रहे हैं, दीपाली। हमने ये जो वर्किंग नोट बनाया कैश रिलाइज फ्रॉम एसेट्स एंड कैश पेड टू लाइबिलिटी, इसमें ये रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये पार्टनर एसेट्स टेक ओवर कर रहा है और पार्टनर कौन है, दीपाली। इसके लिए जनरल एंट्री पास की जाएगी। अगर कोई पार्टनर फॉर्म से एसेट्स टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होगी। कैपिटल रिड्यूस करने के लिए पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। दीपाली कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इन्वेस्टमेंट नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र करके उसके अकाउंट को क्लोज कर रखे हैं। अमाउंट 3800 एंड 3800। अदर एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, तो दे रखा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से रियलाइज हुआ 18,000। तो अदर एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज दैट मीन्स कैश रियलाइज फ्रॉम एसेट्स। नाउ वर्किंग नोट वन कैश रियलाइज फ्रॉम एसेट्स फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रियलाइज रुपीज 18,000 सेंड्री डेप्टर्स अमाउंट 1800 स्टॉक 2800 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 18,000 सेंड्री डेप्टर्स 1800 स्टॉक रुपीज 2800। क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू है जिसका पेमेंट कर रहे हैं और 5% कम वैल्यू पे कैश पेड टू लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स, 5% लेस क्रेडिटर्स वैल्यू 2000, 5% आफ्टर डिडक्टिंग क्रेडिटर्स पेड रुपीज 1900। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स अमाउंटेड रुपीज 400। तो ये जो फर्म डिसॉल्व हो रही थी उस टाइम, एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन वर्क जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो कितना शो कर रहा है, 400। फर्म ने इसे पेड किया, कैश पेड टू एक लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड करें, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट 400।
देयर वॉज ए टाइप राइटर इन ए फर्म बॉट आउट ऑफ द फर्म्स मनी बट द सम सेम हैज़ नॉट बीन शोड इन द अबव बैलेंस शीट। तो एक टाइप राइटर है जो कि फर्म के अमाउंट से ही परचेस किए थे जो कि बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है, तो उससे सेल करके अमाउंट कितना रियलाइज हो रहा है 10,000। ये फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट। तो कैश रियलाइज फ्रॉम एसेट्स अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, उससे भी अगर कोई कैश रियलाइज हो रहा है तो वर्किंग नोट जो प्रिपेयर कर रहे हैं कैश रियलाइज फ्रॉम एसेट्स उसमें कंसीडर करेंगे। टाइपराइटर वैल्यू रुपीज 10,000। क्लोज द फॉर्म बुक्स ऑफ अकाउंट बाय प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ जनरल एंट्री के लिए इंफॉर्मेशन समझ रहे हैं, तो अब ये अकाउंट जो भी क्वेश्चन की थी वो कंप्लीट होने के बाद टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करके अब ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा है कैश रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स एंड कैश पेड टू लाइबिलिटीज। तो कैश रिलाइज फ्रॉम एसेट्स अमाउंट 18,000 प्लस 1,800 प्लस 2,800 प्लस 10,000 टोटल वैल्यू कैश रिलाइज 32,600। कैश पेड टू लाइबिलिटी वैल्यू 1,900 प्लस 400 2,300। तो अब जो बात कही गई थी उसमें सबसे पहले ये बात कही कि ऑल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद जो भी एसेट्स को सेल करके अमाउंट रियलाइज्ड होगा उससे लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाएगा जो कि कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं। तो कैश रियलाइज फ्रॉम एसेट्स है, इसके लिए भी जनरल एंट्री पास होगी। डेबिट व्हाट इज़ कमिंग, कैश या बैंक? तो कैश एट बैंक क्वेश्चन में दे रखा है, कैश एट बैंक वैल्यू रुपीज़ 6,000। तो अब जो भी कैलकुलेशन या एंट्री पास होगी वो बैंक के थ्रू पास होगा। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अमाउंट रुपीज़ 32,600 एंड 32,600। लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर रहे हैं कितना 2,300, इसके लिए भी जनरल एंट्री पास हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज गोज आउट, कैश या बैंक, पेमेंट रुपीज़ 2,300। अब बात ये की गई थी कि अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि प्रॉफिट जो भी एसेट्स है फर्म को डिसॉल्व करते समय ऑल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को सेल किया गया और सेल ऑल एसेट्स को सेल करके लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिए, अब फर्म डिसॉल्व करने पे फर्म में प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो ये कैलकुलेशन भी हमें यहाँ पे करना है। तो एक तरीका है जिससे आप विदाउट रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किए ही प्रॉफिट है या लॉस ये फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक तरफ रफली इंफॉर्मेशन हमने लिखा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। इन ए फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन डेबिटेड रुपीज 25,000, रियलाइजेशन डेबिट रुपीज 25,000। इन सेकेंड एंट्री रियलाइजेशन क्रेडिटेड रुपीज 2,000, नाउ क्रेडिट साइड रिकॉर्डेड 2,000। एंड दीपाली टुक ओवर इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट अमाउंट 3,800। कैश रियलाइज फ्रॉम एसेट्स रियलाइजेशन क्रेडिट अमाउंट 32,600, क्रेडिट साइड 32,600। एंड कैश पेड टू लाइबिलिटी रियलाइजेशन डेबिटेड अमाउंट 2,300, डेबिट साइड 2,300। तो जहाँ जहाँ एंट्री में रियलाइजेशन अगर डेबिट है तो डेबिट साइड और अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे चेक करें डेबिट साइड एक्सेस है या क्रेडिट साइड, तो ये दिख टोटल
क्रेडिट साइड वैल्यू 38,400 एंड रियलाइजेशन टोटल डेबिट साइड वैल्यू 25,000 प्लस 2,300 27,300। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड की वैल्यू 38,400 और डेबिट साइड 27,300 शो कर रहा है, क्रेडिट साइड एक्सेस है। तो अब हम कह सकते हैं प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन अकाउंट में 38,400 क्रेडिट साइड माइनस 27,300, प्रॉफिट रुपीज़ 11,100। तो रिजल्टिंग फिगर और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म प्रॉफिट रुपीज़ 11,100। तो इसके लिए भी अब जनरल एंट्री पास करेंगे, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, पार्टनर्स में। जनरल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू टू पार्टनर्स दीपाली कैपिटल, प्रॉफिट से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, और क्रेडिट कर दिए टू राश्री कैपिटल, प्रॉफिट रुपीज़ 11,100। 11,100 दीपाली एंड राशि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 रेशियो, नाउ डिवाइडेड इन 3:2 रेशियो, दीपाली रिसीव 6,660 एंड 4,440 रुपीज, प्रॉफिट ऑन realization